हरियाणा में अब थिएटर में फिल्म देखने जाना कुछ महंगा हो सकता है। गौरक्षा के लिए फंड जमा करने के लिए फिल्म के टिकट पर 5% का गाइड टैक्स लगाया जा सकता है। गौरक्षा आयोग ने हरियाणा सरकार को कई प्रस्ताव भेजे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मांगों पर गौर करने का भरोसा दिया है। अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो बहुत मुमकिन है कि अगली बार जब आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाएं, तो आपको फिल्म के टिकट पर 5% गाय टैक्स भी देना पड़े। गाय की रक्षा बेहतर तरीके से हो सके, इसलिए हरियाणा गौ सेवा आयोग ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें सरकार से सिनेमा टिकट्स पर 5% सेस लगाने की मांग की गई है, ताकि गौ रक्षा और कल्याण के लिए अलग से फंड बनाया जा सके। इतना ही नहीं, आयोग ने ये भी कहा है कि किसी आयोजन के लिए बैंक्वेट हॉल बुकिंग के दौरान भी 2100 रुपये वसूले जाएं। साथ ही ये प्रस्ताव भी दिया गया है कि जो मंदिर सरकार के नियंत्रण में है, उन्हें मिलने वाला 50% चंदा भी गौ रक्षा के लिए दे दिया जाए। गाय की सेवा करने के लिए हमें पैसा तो चाहिए ना। पैसे के लिए हमने सरकार को सुझाव भेजे हैं कि जो आप इस पे ज़्यादा फोकस ना दें, जो अगर पैसा होगा तभी तो हम गाय की सेवा कर पाएंगे ना। हरियाणा में 425 गौशाला हैं, जिनमें 3,12,000 गाय और गौवंश हैं, जबकि 1,17,000 गाय सड़कों पर भटकती हैं। आयोग ने गौ कोष बनाने के लिए राज्य की मंडी से गेहूं और चावल के हर पैकेट की खरीद पर 1 रुपये अतिरिक्त वसूलने का प्रस्ताव भी दिया है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ मंडी वाली राशि से ही सालाना 100 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। सिफारिशें हर प्रकार की संस्थाएं हमको भेजती हैं, उसका समुचित विचार किया जाएगा, जो उचित उसका स्थान है उसको विचार करेंगे, और जो समाज हित में होगा, गौ हित में होगा, उस हिसाब से विचार करेंगे। गौ रक्षा आयोग ने इससे पहले ये प्रस्ताव भी दिया था कि शराब की हर बोतल पर 2 रुपए वसूल कर गौ फंड के लिए दिए जाएं, जिससे करीब 100 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते, लेकिन इस प्रस्ताव को RSS ने खारिज कर दिया था। हरियाणा सरकार ने गौ रक्षा के लिए IPS अधिकारी की अगुवाई में 300 पुलिस कर्मियों की टास्क फोर्स भी बनाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, Z मीडिया।